First of all, good morning to all of you, all students. आज हम लोग शब्द वर्ड के बारे में जो वर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। के शब्द किसे कहते हैं? पहला है, जब हम शब्द विचार से संबंधित शब्द विचार शब्द विचार इटिमोलॉजी के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो इसमें हम सर्वप्रथम जानते हैं कि शब्द क्या है। यहां मैंने शब्द राइट कर दिया। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे हम शब्द कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे यह भी हमारा क्या है? शब्द है। नाम, यह भी हमारा क्या है? शब्द है। जलज, यह भी हमारा क्या है? शब्द है। जो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक से अधिक वर्ण मिल करके जो है इसका निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद शब्दों के हम अब वर्गीकरण की तरफ चलते हैं, वर्गीकरण की तरफ चलते हैं, क्लासिफिकेशन की तरफ। तो शब्द को चार भाग में बांटा गया है। शब्द को चार भाग में बांटा गया है। पहला है शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण वर्गीकरण यह चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है हम लोगों का रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों के रचना के आधार पर शब्दों के भेद, यानी रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के
तीन भेद होते हैं जिसमें पहला आता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तीन रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, ये तीन है। इसमें पहला हम जानते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है, रूढ़ शब्द क्या है। पहला है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। किसे कहते हैं? जिन शब्दों के विभाजन के बाद, जिन शब्दों के विभाजन के बाद उनके खंडों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जिन शब्दों के विभाजन के बाद उसके अपने खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे इसका पहले हम डिफिनेशन ऑफ जिन शब्दों के विभाजन के बाद, विभाजन के बाद उनके खंडों का, उनके खंडों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे केवल हो जाएगा और थ को अलग करें तो थ हो जाएगा, यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, जैसे रथ हो गया, तो यह जो है रूढ़ शब्द नहीं, यानी इन दोनों को अलग अलग करेंगे तब यह रूढ़ शब्द कहलाएगा। फिर र अलग हो जाए और थ अलग हो। इसके बाद दूसरा, यौगिक शब्द,
जिन शब्दों के खंडों का जिन शब्दों के खंडों का अपना अलग से कोई अर्थ हो, अपना अलग से वह यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय, यदि दोनों को हम तोड़ते हैं तो विद्याधन आलय हो जाएगा। विद्या और आलय, यानी इसका लगा जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय भी हुआ, यानी पुस्तक और पुस्तकालय, यानी दोनों का कोई अलग, पुस्तक और आलय दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। इस प्रकार से हम लोग यौगिक शब्द समझ चुके। अब हम लोग योग रूप के बारे में समझते हैं। योग रूप समझ